किए ट्राइसाइकल तो आउ कहा हाथ में रही वाकिंग स्टिक। सुंदर पोशाक सह रंगीन आलोकमाला चिकमिक करुवा सुसज्जित स्टेज रे करुछंती रामपुआ दुनिया को देखाउछंती निजर सुंदर प्रतिभा आउ कहउछंती आमे बोझ नुहे आमे भी सामर्थ्य कथारे अछि। साधारण पिलाटी जेतेबेले नाची कुदी निज मन को आनंदित करे सेतेबेले जने दिव्यांग पिलाटी पई ए सबु थाए मरीचिका। गीत सुनी जेतेबेले साधारण पिलाटी खुशी मनाए श्रवण बाधित पिलाटी पई ए सबु लागे अपमान। किंतु आज एठी ए स्टेज मानक पई ए भल पाइबा एमानक पई आउ ए सम्मान भी सेई मानक पई। ए हेउछि सुंदरगढ़ जिल्लार जातीय स्तरीय फैशन शो। नुआ दिल्लीर प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन पक्षरु प्रथम थर पई एभळी एक भिन्नक्षम फैशन शो आयोजन करा जायछि। ए फैशन शो रे 7टी राज्यरु 84 जन अंशग्रहणकारी जातीय स्तर रे निजर प्रतिभा एवं दक्षता प्रदर्शन करथिले। किए एकाकी स्टेज रे चली निज प्रतिभा देखाउथिला तो आउ किए जोड़ी आकार रे चली एक भिन्न वार्ता देथिले। कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्युष दिवाकर जोग देथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाबे अतिरिक्त जिलापाल रवि नारायण साहू जोग दे उद्घाटन करथिले। दिव्यांग भाई भौणी को किभळे भाबरे समाज रे मुख्य स्रोत रे शामिल करा जाय पारिबो सेथिपई एभळे आयोजन करथिबा प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन रो कर्मकर्ता को धन्यवाद जणाइथिले अतिरिक्त जिलापाल। सुंदरगढ़ जिले प्रथम थर पर प्रयास इंडिया तरफ ये एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन कराई यार मुख्य उद्देश्य जो दिव्यांग भाई भी अच्छा समाज मुख्य स्रोत को आणवा से रोजगार पंथा देखा कि समत समाज में समस्त सागर मिसिकी कांध मिले चलिए यार मुख्य उद्देश्य। पूर्वरु फाउंडेशन पक्षरु जातीय स्तरीय भिन्नक्षम क्रिकेट प्रतियोगिता रे सफल आयोजन होइतबा बेले भिन्नक्षम मानंकु नै चप्पल तयारी तालीम प्रदान करा जाउछि। वर्तमान पुणी भिन्नक्षम मानंकु सफलतार आउपति छोडिबा पई आयोजन करिछि जातीय स्तरीय फैशन शो। जो माने भावंती दिव्यांग समाज पई एक बोझ मात्र प्रयास इंडिया एहा प्रमाणित करबा को चेष्टा करिछि जे माने बोझ नहुंती एमाने हेउछंती सफलतार शीर्ष रे पहुंचिथिबा व्यक्ति। एणु आमे चेष्टा करूछु एमानंक मुहरे सामान्य हस फुटाइबा सह समाज रो मुख्य स्रोत रे शामिल हुवंतु समस्ते। सबको लगता है कि दिव्यांग बच्चे एक बोझ है और प्रयास इंडिया हमेशा ये बताना चाहता है कि आत्मा कभी विकलांग नहीं होती और बच्चे कभी हमारे लिए विकलांग नहीं होते। हमें सिर्फ इन्हें एक मंच देना है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, अपनी शक्ति को दिखा सकें और प्रयास इंडिया अब अपने लाइवलीहुड प्रोग्राम के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हमेशा मंच देता रहता है। तो हमें 3 साल हो गए ये काम करते हुए। अब तक हम लोगों ने कई हज़ार बच्चों के लिए प्रोग्राम किया है और इस बार हम सुंदरगढ़ में आए हैं। सुंदरगढ़ की जनता, यहाँ के लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया है। नहीं, ये दूसरी बार है। इससे पहले हमने राजगंजपुर में किया था जहाँ हमने दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट नेशनल करवाया था। प्रयास इंडिया की फाउंडेशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया था फैशन शो, हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सुविधाएं और यहाँ का जो कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा। सर, मैं एक इंटरनेशनल मॉडल हूँ। मैं अभी तक का मेरा 6 बार हो चुका है नेशनल मॉडल लेवल में और ये मेरी 6वीं बार है यहाँ पे भी आया हूँ मैं। सर, एक्चुअली बस हम दिव्यांग हैं, जब तक क्या हम लोग अगर कुछ अलग से क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एक अलग से पहचान नहीं आती। तो ये जो ड्रेस है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसी में मैं अभी 6वीं बार प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं और ये 5 टाइम्स मेरे को विनर घोषित किया हुआ है ड्रेस। तबे दिव्यांगों को नहीं लोकों भितर थिबा ए धारणा को ए दृश्य निहाती भावे परिवर्तन करिबो। सुंदरगढ़ रु देवव्रत जेना रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।